नमस्कार, मैं श्रुति। आज है 21 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जल जीवन हरियाली के तहत 23 दिसंबर को शिवहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी ही प्रतिबद्धता के साथ जुटे हुए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत 23 दिसंबर को शिवहर पहुंचेंगे, जिसकी सारी तैयारियां शिवहर में शुरू हो चुकी हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर सभी अधिकारी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुट चुके हैं। यहां तक कि शिवहर की 0 माइल तक जागरूकता रैली भी निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी 28 जनवरी तक। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञात हो 28 तक आयोजित होने वाली यह परीक्षा बिहार के लगभग सभी जिलों में 2 पालियों में ली जाएंगी, जिसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी है। दिए गए जानकारी के अनुसार STET 2019 के इस परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार द्वारा मिले आयु सीमा में छूट के आधार पर किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि STET के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वो 20 से 24 दिसंबर तक एक बार फिर से आवेदन भर सकते थे। सभी सरकारी स्कूल के रसोइयों और सहायकों को मिलेगा पेंशन। सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी रसोइयों और सहायकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने सभी रसोइयों और सहायकों को MDM योजना के तहत पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अब सभी सरकारी स्कूल के रसोइयों और सहायकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और साथ ही साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना में भी शामिल किया गया है। अब DTO विभिन्न प्रखंडों में वाहन जांच प्रदूषण केंद्र खोलने का देगी लाइसेंस। अब हर जिलों के प्रखंडों में DTO वाहन जांच प्रदूषण केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस मुहैया करवाएगा। पहले ये अधिकार राज्य परिवहन आयुक्त के पास था, मगर अब इन केंद्रों को खोलने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी ही लाइसेंस देंगे। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इसका एकमात्र उद्देश्य सभी जिलों में अधिक से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र के क्रियान्वयन का है। बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों का किया जा रहा है आकलन। कुछ दिन पहले ठंड के मौसम में बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने कई किसानों के फसल को उजाड़ कर रख दिया है, जिसका सीधा असर सबसे ज्यादा धान की खेती करने वालों पर पड़ा है। लेकिन उन किसानों को अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार ने वैसे सभी किसानों को हुए प्राकृतिक नुकसान का मुआवजा देने की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए अब सब प्रकार के फसलों का आकलन किया जा रहा है। आकलन होने के पश्चात सभी किसानों को अनुदान की राशि भी मुहैया करवा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार म्यूजियम को दिया 5 स्टार की रेटिंग। बिहार म्यूजियम को केंद्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 स्टार दिए हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट काउंसिल ने म्यूजियम के डिजाइन को ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयुक्त करार करते हुए यह रेटिंग जारी की है, जिसके लिए बिहार म्यूजियम को 11वें ग्रीन सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट काउंसिल कई मानकों के आधार पर भवनों को रेटिंग देता है। स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने देखे कई विभागों के मॉडल। बिहार के गया जिले के गांधी मैदान में इन दिनों जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत अलग अलग विभागों के स्टॉल का आयोजन किया गया है, जिसका निरीक्षण करने गया में इस समय में उपस्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गया के गांधी मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बिहार में नए उपकरणों के जरिए होगी नाले की सफाई। बिहार में नालों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत अब नालों की सफाई के लिए एक नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभी राजधानी पटना समेत लगभग सभी शहरों में बंद पड़े पुराने नालों में प्रयोग से की जाएगी। आपको बता दें कि इस उपकरणों का इस्तेमाल बिहार से पहले कई राज्य करते आ रहे थे और अब जल्द ही इसका प्रयोग बिहार में भी देखने को मिलेगा। बांका जिले के बौसी मेले में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बौसी मेले की पहचान काफी प्राचीनतम है। 15 दिनों तक लगने वाले इस मेले में अंत तक लोगों की भीड़ जमी रहती है। मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले इस मेले की खासियत यह है कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है। यह मंदार मेला के नाम से भी जाना जाता है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने की। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें ढोंगी करार किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी बनने का केवल ढोंग करते हैं। जब संसद में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन कर रहे थे तब उनका यह रूप कहां चला गया था। दाखिल खारिज के 9 लाख लंबित आवेदनों का होगा निपटारा। जमीन रजिस्ट्री की संख्या में पिछले 3-4 सालों में भारी संख्या में इजाफा देखने को मिला है। सिर्फ अगर हम साल 2018-19 की बात करें तो इस साल में सूबे में 11,52,291 जमीन के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। वहीं इस साल 8,14,364 जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। मगर बिहार में दाखिल खारिज के मामले में अचानक से इजाफा देखने को मिला है, जिसके निपटारे के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर होकर काम कर रही है। इसके साथ ही लोगों को आश्वस्त करते हुए सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जमीन से जुड़ी समस्या का निदान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। थ्री इडियट्स, चमेली और पानीपत को लिखने वाला एक बिहारी। पर्दे पर बेहद पसंद की गई थ्री इडियट्स, चमेली और पानीपत जैसी फिल्मों के कहानी को लिखने वाले रंजीत बहादुर अक्सर अपने लेखन से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। आपको बता दें कि रंजीत रंजन मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। वो बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पानीपत फिल्म के लिए लिखा था, जो कि 1761 की एक पौराणिक कहानी पर आधारित है। पटना में ठंड ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। पछुआ हवा के प्रवाह से लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। खासकर कुछ दिनों पूर्व हुए बारिश ने तो मौसम में कनकनी को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके बाद ही ठंड का असर सामान्य होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में अगर हम तापमान की बात करें तो पटना में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम तापमान रहा है। वहीं ठंड के बढ़ने से राजधानी पटना समेत कई जिलों में स्कूलों के समय में भी कई फेरबदल भी किए गए हैं। 45 दिन में पुल बनाने वाली टेक्नोलॉजी की लगी प्रदर्शनी। पटना के 80वें IRS यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव ने किया, जहां पर 95 अलग अलग कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल रही। उद्घाटन के पश्चात पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि इस नई तकनीक का फायदा बिहार को सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी बिहार में कई पुलों और सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में हमारी यही कोशिश होगी कि हम लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करें। पुरानी कॉलोनियों का सर्वे कर बनाए जाएंगे नए आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया जिले स्थित समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में सभी EDM को 1995-96 में बनी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर जर्जर घरों के जगह पर नए आवास को बनवाने का निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिले के कई मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षदों समेत कई अधिकारी बने थे। नीतीश कुमार ने हाईवे के मेंटेनेंस की मांग की। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हाईवे के मेंटेनेंस की मांग उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए यह कहा कि बिहार से गुजरने वाली 5000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का तत्काल मेंटेनेंस करवाया जाए, साथ ही साथ बिहार को केंद्र द्वारा मिलने वाले फंड का निदान भी समय समय पर किया जाए। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार के सड़कों की ऐसी स्थिति होने के कारण लोग सरकार को कोसते हैं, इसलिए मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वो बिहार के सभी हाईवे के मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाएं। अगले साल चुनाव से पहले सारा काम निपटा लेंगे नीतीश कुमार। IRC को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बातों पर चर्चा की, जिनमें अगले साल का विधानसभा चुनाव भी अहम रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बिहार में विकास से जुड़े सारे बचे हुए काम को पूरा कर लेंगे। हमारी सरकार नई सड़कों के निर्माण कार्य पर अग्रसर होकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लखनदेई नदी जल्द लौटेगी सीतामढ़ी में। उक्त बातें सीतामढ़ी जिले की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कही हैं। उन्होंने विलुप्त हो चुकी लखनदेई नदी के एक बार फिर से जीर्णोद्धार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लखनदेई नदी के ड्रेनेज से जुड़ा काम अब खत्म हो चुका है, जल्द ही इस नदी का प्रवाह सीतामढ़ी जिले में भी होने लगेगा। आपको बता दें कि लखनदेई नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। CAB और NRC के विरोध में आज राजद करेगी बिहार बंद का आह्वान। कुछ ही दिनों पहले वाम दलों,
द्वारा बिहार बंद के बाद आज राजद नागरिकता संशोधन विधेयक और नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप के विरोध में अपनी आवाज उठाने जा रही है, जिसके तहत राजद ने कुछ दिनों पहले ही 21 तारीख यानी कि आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया था, जिसका असर संभावित तौर पर पटना समेत कई जिलों में पूरे दिन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया एनआरसी पर बयान। इतने दिनों से सीएबी और एनआरसी के मुद्दे पर चुप्पी साधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एनआरसी मुद्दे पर चुप चल रहे नीतीश कुमार ने यह कहा कि लोगों को किसी भी तरह के गलत सोच को तुल देने की जरूरत नहीं है। भले ही सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, मगर वह लोगों को आश्वस्त करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। जदयू नीत एनडीए सरकार में अल्पसंख्यक बिल्कुल ही सुरक्षित है। आखिरी वनडे से पहले प्रमुख गेंदबाज दीपक चहर हुए बाहर। भारत वेस्टइंडीज के बीच हो रहे एक दिवसीय सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है। भुवनेश्वर कुमार की अनुपस्थिति में नई गेंद से गेंदबाजी करने के विशेषज्ञ दीपक चहर अपने पीठ दर्द की वजह से तीसरे वनडे मुकाबले से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में जगह दी गई है। आपको बता दें कि 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच कल कटक में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के एक एक की बराबरी पर होने के कारण यह निर्णायक मैच बन चुका है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,160 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,160 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.38 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.04 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। दिसंबर खत्म होते ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल और कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की संभावना बताई जा रही है। महागठबंधन के बिहार बंद से पहले बोले तेजस्वी यादव। निर्धारित 21 दिसंबर के बिहार बंद से पहले महागठबंधन दल के नेता तेजस्वी यादव ने बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपने हक, अधिकार, संविधान, लोकतंत्र के लिए अगर सरकार के खिलाफ अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। आज लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बिहार बंद रहेगा और मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वो संवैधानिक तरीके से अपने अपने क्षेत्र में बिहार बंद का आह्वान करें। झारखंड चुनाव के मतदान की अंतिम प्रक्रिया हुई पूरी। 5 चरणों में होने वाला झारखंड चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है जो कि शाम तक जारी रही। आपको बता दें कि आखिरी चरण के इस चुनाव में 237 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने चुनाव के आखिरी चरण के अवसर पर यह ट्वीट करके अपील किया था और कहा था कि मैं सभी युवा प्रत्याशियों से यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में वोट डालें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बंदी के दौरान आम नागरिकों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें बिहारी न्यूज़ पर। धन्यवाद।